हाय फ्रेंड्स, मैं इरफान खान निसार कॉलेज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करता हूं। और आज मैं एक बार फिर से आपके लिए इंटरनेट का सेकंड पार्ट लेकर के आया हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंटरनेट के पार्ट में क्या है, इंटरनेट में ऐसा क्या लेकर के आए हैं आपके लिए जो आपके लायक है, क्योंकि आप ट्रिपल सी की भी तैयारी कर रहे हैं, आप UPSC की भी तैयारी कर रहे हैं, आप ओ लेवल की भी तैयारी कर रहे हैं, और नहीं भी तैयारी कर रहे हैं तो कोई ज़रूरत नहीं, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं आपकी नॉलेज के लिए। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए इंटरनेट, यहाँ पर स्क्रीन की तरफ आइए, इंटरनेट यहाँ पर लिखा हुआ। इंटरनेट क्या चीज़ है सबको मालूम है, आप लोगों को इंटरनेट क्या चीज़ है। इंटरनेट दुनिया भर के कंप्यूटर नेटवर्क को जोड़ता है, ठीक है ना। यानी आप कह सकते हो नेटवर्क के नेटवर्कों का, यानी कि जो ग्रुप है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, इंटरनेट। ठीक है, नेटवर्क्स ऑफ नेटवर्क इज कॉल्ड इंटरनेट। ठीक है, इंटरनेट की डेफिनेशन मैंने आपको बता दी यहाँ पर कि नेटवर्कों के नेटवर्क को क्या बोला जाता है, इंटरनेट कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी आता है कि नेटवर्क्स ऑफ नेटवर्क क्या कहलाता है, वो इंटरनेट कहलाता है। ठीक है, अब हम बात करें अगर इंटरनेट की, तो इंटरनेट का मतलब केवल ग्लोबल गूगल ही नहीं है, गूगल नहीं है, याहू नहीं है, फेसबुक नहीं है, यूट्यूब नहीं है, ये तो सब लोग चला लेते हैं। इंटरनेट के बारे में जानना, इंटरनेट का क्या मतलब है, यानी आप क्या कर सकते हो, कई सारे कंप्यूटर आपस में कनेक्ट हैं और पूरी दुनिया में कनेक्ट हैं, इसलिए इसको बोला जाता है इंटरनेट। यानी बहुत सारे नेटवर्क हैं, नेटवर्क जैसे मैंने आपको बताया, लैन बताया, कैन बताया, वैन बताया, मैन बताया, पैन बताया, सैन बताया, दुनिया के बहुत सारे नेटवर्क इस तरह के बने हुए हैं। उन नेटवर्कों को जब मिलाया जाता है तो एक नेट बनता है, नेटवर्क बनता है, इसको बोलते हैं इंटरनेट बोलते हैं। अच्छा, अब अगर हम बात करें इंटरनेट में सबसे ज़्यादा यूज होने वाला जो प्रोटोकॉल है वो है TCP/IP प्रोटोकॉल, जिसका मतलब होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल। वैसे तो बहुत सारे प्रोटोकॉल यूज होते हैं, FTP यूज होता है, DHCP यूज होता है, और भी बहुत सारे प्रोटोकॉल हैं जो यूज होते हैं, लेकिन अगर हम बात करें तो जो सबसे ज़्यादा प्रयोग इंटरनेट के लिए किया जाता है वो TCP/IP, क्योंकि ये इसी के मदद से एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से कनेक्ट हो जाता है। ठीक है, जिसका फुल फॉर्म होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल, ये फुल फॉर्म आपसे पूछा जाता है और इसका यूज इंटरनेट में सबसे ज़्यादा यूज होता है। अच्छा, अगर हम नेक्स्ट बात करें आपसे कि IP एड्रेस क्या है, हर कंप्यूटर का एक एड्रेस होता है जिसको बोलते हैं हम IP एड्रेस, इंटरनेट प्रोटोकॉल का एड्रेस। ठीक है ना, जैसे हम किसी मोबाइल को चलाते हैं तो मोबाइल चलाने के लिए आपको क्या चाहिए, एक मोबाइल नंबर चाहिए। उसी तरह से नेटवर्क में अगर कंप्यूटर जुड़ा हुआ है तो उस नेटवर्क को केबल से तो जोड़ दिया आपने, वायरलेस जोड़ दिया, लेकिन जब तक आप उसको कोई एक एड्रेस नहीं देंगे किससे आप उसको पुकारेंगे, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, IP एड्रेस। अच्छा, IP एड्रेस जो होता है वो 32 बिट का होता है, लेकिन अब आपको बता दें IP एड्रेस 32 बिट का भी होता है और 128 बिट का भी होता है। वो कैसे, अगर आप क्योंकि IP जो है इंटरनेट प्रोटोकॉल वो दो तरह का होता है, एक आता है IP वर्ज़न 4, जिसमें आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है IP वर्ज़न 4 कितने बिट का होता है, वो होता है 32 बिट का होता है। जबकि IP वर्ज़न 6 जो होता है, दूसरा जो है IP वर्ज़न 6, ये 128 बिट का होता है। ठीक है, अब सवाल आता है ये इस समय कौन सा यूज हो रहा है, तो आप राइट नाउ IP वर्ज़न 4 यूज़ करते हो, ज़्यादातर IP वर्ज़न 4 यूज़ होते हैं लोकल एरिया नेटवर्क में, क्योंकि एक समय था जब विस्टा ऑपरेटिंग सिस्टम आया था वो IP वर्ज़न 6 लेकर के आया था, IP वर्जन 4 उसमें नहीं था। ठीक है ना, और उस समय कंप्यूटरों को आपस में कनेक्ट कराने में बड़ा दिक्कत आता था, इसलिए विस्टा भी फ्लॉप हो गया था, इसी की वजह से विस्टा फ्लॉप हुआ। लेकिन उसके बाद जो 7 आया उसमें फिर से टेक्नोलॉजी डाल दी गई IP वर्जन 4 की, तो वहाँ पे यूज़ करने लगे, सबनेट मास्क वगैरह निकालना थोड़ा मुश्किल हुआ करता था, तो इसलिए IP वर्जन 6 थोड़ा सा है, अभी ऐसा नहीं है कि नहीं है, यूज़ होता है, लेकिन राइट नाउ ज़्यादातर यूज़ किया जाता है IP वर्जन 6। अच्छा, आप देख सकते हैं IP वर्जन जो 32 बिट का जो सेट है वो किस तरह से है, जैसे मैंने यहाँ पे एक IP एड्रेस दे करके रखा हुआ है 10.10.0.1, जो कि क्या करता है, किसी भी कंप्यूटर के स्थान को बताता है। ठीक है ना, अच्छा आगे अगर हम बात करें अगली चीज़ की, तो क्या आप सवाल आता है DNS क्या चीज़ होती है। DNS वगैरह हम बात करें तो DNS जो है वो तीन चीज़ें हैं, DNS के तीन फुल फॉर्म हैं। पहला तो फुल फॉर्म होता है डोमेन नेम सर्वर, दूसरा फुल फॉर्म होता है डोमेन नेम सिस्टम, और तीसरा फुल फॉर्म होता है डोमेन नेम सर्विस। तीनों ये तीन फुल फॉर्म है आपके हैं। ठीक है, अब ये है होता क्या है, इसका काम होता है IP को नेम में और नेम को IP में कन्वर्ट करना। यानी अगर आप किसी भी कंप्यूटर को सर्च करना चाहते हैं तो आप क्या करते हैं, उसके नाम से उसको पुकार सकते हैं। आपको IP एड्रेस याद करना, जैसे आप एग्जांपल के रूप में आप ले लीजिए, मान लीजिए गूगल का IP एड्रेस है 10.16.10.11। ठीक है ना, अब आप या तो ये IP एड्रेस याद रखिए, ठीक है, या तो आप क्या करते हो गूगल, तो मोस्टली ज़्यादातर लोग क्या करते हैं गूगल
जो है टाइप करके, यानी उसके नाम को। तो ये नाम किसकी वजह से आता है? DNS की वजह से आता है, डोमेन नेम सिस्टम की वजह से आता है। अच्छा, अगर बात करें अगली चीज़ की यहाँ पर, वो क्या चीज़ें हैं यहाँ पर, देखिए मैं आपको बता रहा हूँ WWW के बारे में। WWW का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है ना। अब सवाल आता है वर्ल्ड वाइड वेब की खोज किसने की थी? वर्ल्ड वाइड वेब की खोज जो की थी टिम बर्नर्स-ली ने की थी, ठीक है। नहीं, फादर ऑफ, आपसे पूछा जाए WWW कौन है कि क्वेश्चन आता है, वो आपका था टिम बर्नर्स-ली। कब की थी ये आपको बता दें मैं, 1989 में इसकी खोज की गई थी, ठीक है ना। और इसका काम क्या होता है? सूचनाओं को इंटरनेट पर आदान प्रदान करना, ठीक है। अच्छा, आगे अगर हम बात करें तो अब बात आती है एप्लीकेशन ऑफ इंटरनेट की। एप्लीकेशन ऑफ इंटरनेट में क्या चीज़ें आती हैं यहाँ पर? कुछ सर्विसेज आ जाती हैं, कुछ सूचनाएं आती हैं उसको प्राप्त करने के लिए। तो सबसे पहले अगर हम बात करें इंटरनेट सर्विस में कौन कौन सी इंटरनेट की सर्विस हैं, तो चार तरह की सर्विस हैं। पहली सर्विस अगर हम बात करें यहाँ पर, तो वो आता है कम्युनिकेशन। इंटरनेट की सर्विस में सबसे पहली सर्विस आ गई कम्युनिकेशन। दूसरी सर्विस जो आ गई वो आ गई इंफॉर्मेशन। तीसरी सर्विस जो आ गई वो आ गई आपकी वेब, ठीक है ना। वेब तीसरी सर्विस आ गई। फिर इसके बाद अगर हम बात करें तो इसके बाद आपकी जो सर्विस आती है वो वर्ल्ड वाइड वेब आ जाती है। अच्छा, अब इसको हम थोड़ा सा डिटेल में बात करते हैं। तो देखिए यहाँ पर कम्युनिकेशन सर्विस के बारे में कौन कौन सी सर्विस हैं जो कम्युनिकेशन सर्विस में आती हैं। तो आपकी सबसे पहली सर्विस आती है इलेक्ट्रॉनिक मेल, जिसको हम लोग ईमेल के नाम से जानते हैं। तो आपने देखा भी होगा, आपने मेल भी किया होगा, बहुत सारे लोगों को मेल भी करते होंगे आप, ठीक है ना। मैसेज भी आता है, क्योंकि आजकल जितने भी ऑफिस हैं, कार्यालय हैं, उन सारी चीज़ों के क्या किया जाता है, ईमेल किया जाता है। हर एक चीज़ें, अगर आपको किसी ने किसी को मेल भेजना है तो कोई कहता है रिज्यूम हमको सेंड कर देना, कोई कहता है बायो, कोई कहता है हमको ये डिटेल्स, ये फ़ोटोज़, ये सारी चीज़ें क्या कर देना, ईमेल कर देना, ठीक है ना। कुछ भी, कोई भी डेटा होता है वो क्या करते हैं बंदा, ईमेल। ईमेल का मतलब हो गया ये, इसी चीज़ को हम लोग पहले पुराने ज़माने में लोग क्या बोलते थे, पोस्ट करना। पोस्ट का मतलब हो गया कि हम लोग पोस्ट ऑफिस से एक लेटर लेते थे, उससे हम लोग भेजते, तो 15 से 20 दिन लगते थे अनेर अबाउट पहुँचने में, बंदा कहाँ से कहाँ पहुँच जाता था। आज क्या है, आज आपने एक क्लिक में आप क्या कर देते हो, अगले बंदे तक वो मेल पहुँचा देते हो। और ये आसान भी हो गया और भी कुछ चीज़ों में, जैसे आजकल व्हाट्सअप आ चुका है तो और आसान हो चुका है, और भी बहुत सारी चीज़ें ऐसे आ चुकी हैं कि जिसके वजह से हम क्या करते हैं, अपनी मेल यानी मैसेज को एक दूसरे तक डिलीवर कर सकते हैं, इन ले भी सकते हैं, पा भी सकते हैं और दे भी सकते हैं। तो आपका सबसे पहले जो सर्विस आती है वो ईमेल सर्विस आती है। अच्छा, सेकंड बात करते हैं टेलनेट की। टेलनेट क्या चीज़ होती है सर? देखिए, इंटरनेट से जुड़े कुछ दूर रखे कंप्यूटर में लॉग इन करने का, यानी यहाँ पर आपको बताएं, अगर मान लीजिए आपका कंप्यूटर जो है कुछ समय का मतलब हो गया कि काफ़ी दूर पर रखा हुआ है, मान लीजिए दिल्ली में रखा हुआ है, और आप इस समय फैज़ाबाद में हों, यूपी में हों, ठीक है, आप यहाँ से कंसल्ट करना चाहते हो, यहाँ से आप, अब आप दिल्ली में, आपके कोई सिस्टम प्रॉब्लम आती है, आप इंटरनेट से कनेक्ट भी हो, उसका आईपी एड्रेस भी आपके पास है, और आप क्या करते हैं उसको, जो प्रॉब्लम आ रही है, मान लीजिए सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है, तो आप यहीं से बैठे कर सकते हो इस सर्विस की मदद से, ठीक है ना। टेलनेट ये काम करता है कि अगर कोई प्रॉब्लम हो तो उसको क्या करता है, रिमोटली उस सिस्टम को जो दूर रखा हुआ है उसको एक्सेस करके और उस पर जो भी काम करना हो वो कर सकता है। एज ए एग्जांपल, आजकल हम लोग क्या करते हैं, एक सॉफ्टवेयर आता है हमारे पास टीम व्यूअर, ठीक है ना, आजकल बहुत सारे लोगों के पास होता है। तो क्या करते हैं, टीम व्यूअर नया नहीं है, बहुत पुराना है, एक लैपटॉप में जिसको शेयर करना होता है तो एक लैपटॉप में है, दूसरे लैपटॉप में है, मान लीजिए दूसरा लैपटॉप मैंने जैसे मैंने कहा, तो उसके जो भी उस पर एक आईडी बनाई, इस पर आप ने आईडी बनाई, जैसे आजकल हम लोग शेयरिट यूज़ करते हैं वैसे आईडी बनाना पड़ता है। आईडी बनाने के बाद क्या करते हैं हम लोग, जिसको चाहिए होता है वो एक्सेस करता है, उसको एक मैसेज भेजता है टीम व्यूअर, और जैसे ही वो ओके करता है उसका पूरा का पूरा डेस्कटॉप अगले के पास चला जाता है। वो तब तक रहता है जब तक वो काम वहाँ पर काम नहीं कर लेता। ये काम आप मोबाइल में भी कर सकते हैं, एंड्रॉयड में भी कर सकते हैं, आप एंड्रॉयड की पूरी स्क्रीन कंप्यूटर पे ला सकते हैं, कंप्यूटर की पूरी स्क्रीन मोबाइल पे ला सकते हैं। इसको लोग टिप्स एंड ट्रिक्स बोलते हैं, यही टिप्स एंड ट्रिक्स होती है सर कि आप इस तरह से ये काम यहाँ पर कर सकते हैं। तो टेलनेट क्या है, एक रिमोटली एक्सेस करने की सर्विस है, ठीक है ना। अच्छा, अगला ऑप्शन आता है, अगली सर्विस आती है न्यूज़ ग्रुप, ये भी एक सर्विस है। ये किस तरह की सर्विस है? ये सर्विस है, कुछ लोग होते हैं जो अपनी कुछ विशेष विषयों पर चर्चा करते रहते हैं, अपने अलग अलग थॉट पे। जैसे अगर मान लीजिए कोई एक पोस्ट मैंने की दैनिक जागरण में, कोई किसी ने पोस्ट की, दैनिक जागरण हो गया, दैनिक भास्कर हो गया, कोई भी हिंदुस्तान का हो गया, मतलब कोई भी एक जो पत्रिका है या कोई भी पेपर है, उस सारी चीज़ों पर।
तो लोग उस पर क्या करते हैं, तरह तरह के कमेंट करते रहते हैं। जो कमेंट होता है या जो कुछ भी है उसको हर कोई बंदा पढ़ सकता है, ठीक है ना। तो वो किस सर्विस के अंतर्गत आता है, न्यूज़ ग्रुप, यानी जो कमेंट वगैरह राइट किया जा रहा है वो किसके न्यूज़ ग्रुप के अंतर्गत आता है। इसी तरह से अगर हम बात करें अगली जो सर्विस है वो है IRC। IRC सर्विस का मतलब होता है इंटरनेट रिले चैट। अब ये क्या होता है, इसमें देखिए दुनिया भर के लोगों को प्रेजेंट टाइम में जो कम्युनिकेट करने में मदद करता है, ठीक है ना। कोई भी हो जो रिसेंटली जो हम लोग एक दूसरे से कमेंट होकर के एक दूसरे से चैट कर रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं, वो वहाँ पे क्या आता है, IRC आ जाता है। नेक्स्ट आता है मेलिंग लिस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आजकल लोगों को क्या है, ब्रॉडकास्टिंग में बड़ा मज़ा आता है, ठीक है ना। वो चाहते हैं कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा लोग कनेक्ट हो सकें, तो उसके लिए क्या करते हैं, वो मेलिंग लिस्ट तैयार कर लेते हैं, ठीक है ना। ये काम व्हाट्सएप पे भी होता है, ये ईमेल पे भी होता है और बहुत सारी चीज़ों पे होता है। तो आप क्या कर लेते हैं, ग्रुप बना लेते हैं। ग्रुप बना करके आप क्या करते हैं, आपने ग्रुप बना लिया और उस ग्रुप में एक मैसेज डाल दिया। अब वो मैसेज जब डाल दिया ना तो सबको डिलीवर हो गया। तो इसके लिए आप क्या यूज़ करते हैं, मेलिंग लिस्ट, यानी जितने भी आपके पास यूज़र हैं उनकी लिस्ट बना करके आपने क्या कर दी, भेज दी। इसी तरह से अगली लिस्ट आती है, अगला जो आपका सर्विस आती है वो होता है इंटरनेट टेलीफोनी। जैसे अगर आप यहाँ पे कह सकें, इंटरनेट पर यूज़र को कॉल करने की आज्ञा देता है। इसको अगर हम इसको डिटेल में समझें, जैसे आजकल अगर आपके पास मिनट का मामला चल रहा है, मिनट ख़त्म हो गए, अच्छा मिनट ख़त्म हो जाने के बाद आप क्या करते हो, तो लोग क्या करते हैं, व्हाट्सअप टू व्हाट्सअप कॉल कर लेते हैं, IMO टू IMO टू कॉल कर लेते हैं, या फेसबुक टू फेसबुक कॉल कर लेते हैं। ऑडियो कॉल का भी ऑप्शन होता है, वीडियो कॉल का भी है। तो आप किस से कर रहे हो, इंटरनेट से कर रहे हो, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, स्काइपी से भी कर लेते हैं, इंटरनेट टेलीफोनी इसको हम लोग बोलते हैं। अच्छा अगली बात आती है इंस्टेंट मैसेजिंग की। ये क्या चीज़ होती है, देखिए व्यक्तियों और लोगों के समूह के बीच जो चैट की सुविधा होती है इसको आप लोग बोलते हैं ग्रुप चैटिंग, ठीक है ना। ग्रुप चैटिंग जो है, एक ग्रुप बना लिया, उस ग्रुप में आप क्या कर रहे हो, चैट कर रहे हो, व्हाट्सएप पे कर रहे हो, फेसबुक पे कर रहे हो, किसी भी चीज़ पे आप कर रहे हो, ग्रुप में चैटिंग कर रहे हो, उसको क्या बोलते हैं, इंस्टेंट मैसेजिंग, ठीक है ना। तो ये एक सर्विस प्रोवाइड करता है आपको, ये सारी इंटरनेट की सर्विसेज हैं, ठीक है ना। इसके बाद एक सर्विस में, सेकंड सर्विस में आ जाता है इंफॉर्मेशन रिलेटिव सर्विस। उसमें कौन कौन सी सर्विसेज आती हैं, देखिए यहाँ पर सबसे पहली आ जाती है जहाँ पर हम इंफॉर्मेशन किसी को शेयर करते हैं। तो पहली शेयर आ जाती है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल FTP आ जाती है, ये एक सर्विस है। इसके थ्रू क्या करता है, कोई भी यूज़र अपनी फाइलों को शेयर कर देता है, अगला यूज़र उसको एक्सेस कर लेता है, तो ये FTP के थ्रू होता है। अगली सर्विस आती है आर्चीव। आर्चीव में क्या होता है, जो तो पब्लिकी FTP फाइल का डेटाबेस होता है उसको स्टोर कर सकते हैं। जैसे आजकल हम लोग क्या करते हैं, गूगल ड्राइव में अपना डेटा स्टोर कर लेते हैं। तो कोई ना कोई सर्विस होगी ना इंटरनेट पे जिसकी मदद से वो क्या करता है, डेटा सेव कर लेते हैं। तो FTP का भी रोल बहुत है और आर्चीव सर्विस का भी बहुत रोल है, क्योंकि आर्चीव सर्विस की वजह से वो क्या करते हैं, फाइलों को FTP फाइलों को स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आप गूगल ड्राइव हो गई, आप फेसबुक पे अपनी फ़ोटो डालते हो, अच्छा फेसबुक की एक बहुत अच्छी आदत है, आपको जब कोई भी पोस्ट किया है, आपका बर्थडे है या जो भी है, जो भी पोस्ट आपने किया है, वो आपको उतने समय बाद बताएगा कि एक साल बाद आपने ये किया था, आपने एक साल बाद ये पोस्ट किया था, 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, वो किसके वजह से। ये सारी चीज़ें सर्विसेज जो हैं, इन सर्विस स्टोर हैं तब वहाँ पे वो आपको बताती हैं। अच्छा अगली सर्विस आती है गोफर। गोफर क्या करता है, गोफर भी यही काम करता है, रिमोट साइट पर डॉक्यूमेंट, जैसे आप क्या करते हो हिस्ट्री, अब हिस्ट्री की बात करेंगे तो हिस्ट्री का आपने वेब ब्राउज़र पर आपने कुछ सर्च किया और वो आपके दोबारा अगेन आते रहेंगे, जब फिर से सर्च करोगे तो वो सर्विस में आपकी स्टोर रहती है। इसी तरह से गोफर भी यही काम करता है कि आपने अगर किसी सर्विस को एक बार, किसी चीज़ को आपने एक बार खोल लिया है तो वो आपको बड़ी आसानी से क्या कर सकते हैं, आप उसको एक्सेस कर सकते हैं, दोबारा पाने और दिखाने में एक्सेस होती है। तो जैसे अगर मान लीजिए आपने गूगल क्रोम पे कोई चीज़ खोला हुआ था, फिर से दोबारा नेट खोला तो आपको वो चीज़ें खुल के मिल जाती है, स्टार्टिंग से नहीं मिलती। यानी ये सारे काम किसके थ्रू होते हैं, गोफर के थ्रू होते हैं। अच्छा इसके बाद अगली सर्विस आती है वेब सर्विस। अब वेब सर्विस में देखिए कौन कौन सी सर्विस आ जाती हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सबसे पहला। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हम क्या कर सकते हैं, ऑडियो और वीडियो कॉलिंग कर सकते हैं, एक दूसरे से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हैं, ठीक है ना। बहुत सारे ऐप हैं आजकल, हम लोग क्या करते हैं जूम, आजकल हम लोग ऑनलाइन क्लास पढ़ा रहे हैं जूम ऐप के थ्रू पढ़ा रहे हैं, और भी बहुत सारे ऐप हैं उनके थ्रू लोग क्या कर रहे हैं, गूगल क्लासरूम के थ्रू लोग एक दूसरे से कन्वर्सेशन कर रहे हैं। तो कॉन्फ्रेंसिंग जिसको बोलते हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वो सारे चीज़ें आप यहाँ पर
कर रहे हैं, गूगल मीटिंग के यूज कर रहे हैं आप, बहुत सारे ऐसे ऐप्स हैं जो आप लोग कर रहे हो इंटरनेट पे, स्काइपी का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, तो वो सब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो ये सर्विस है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ताकि आप इंटरनेट के थ्रू आप क्या कर सको, एक दूसरे से वीडियो के थ्रू एक दूसरे से बात कर सको। इसके अलावा एक आता है ई लर्निंग। यार बात ही कर रहे हैं, मैं पढ़ा ही रहा था, पढ़ाने की बात कर रहा हूँ तो जूम ऐप की बात, ई लर्निंग, तो आपके ई लर्निंग में भी क्या आता है, ई लर्निंग में ये आ जाए। अच्छा, ई लर्निंग में बहुत सारे एक चीज़ें आती हैं, वीडियो तो शेयर कर ही सकते हैं एक दूसरे से, आप PDF भी शेयर कर सकते हैं, ठीक है ना, आप अपना कोई भी असाइनमेंट शेयर कर सकते हैं, ये सारे ई लर्निंग के पोर्ट हैं, यानी आप नोट्स तैयार कर सकते हैं। आजकल ई बुक का ज़माना है, ठीक है ना, लोग ई बुक पढ़ रहे हैं, वो जो लेंदी ले करके हम लोग चलना करते थे किताबें बहुत सारे, कुछ नहीं, मोबाइल है आपके पास, आपके पास लैपटॉप है, और इसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, ई लर्निंग कर सकते हो, ठीक है ना। तो ई लर्निंग का ज़माना है और लोग क्या करते हैं, इसी से पढ़ सकते हैं, पढ़ना चाहें तो आप, ठीक है ना। सुनिए, बहुत सारी चीज़ें हैं, यानी आप क्या कर सकते हैं, ई लर्निंग, यूट्यूब है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, आप ई लर्निंग के बहुत सारे स्कोप है, ब्लॉगिंग कर सकते हैं आप, ब्लॉगिंग के थ्रू आप पढ़ सकते हैं, और भी बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं ई लर्निंग में, ठीक है। इसके बाद आता है ई बैंकिंग, ये सर्विस भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, बैंक के लिए तो है ही है, बैंक मित्र भी बहुत कुछ जोड़ रहे हैं आजकल, लोगों को दुकानों पर आधार बैंकिंग से भी जोड़ दिया गया कि आप बंदा पैसा निकाल सके, पैसा जमा कर सके, ट्रांसफ़र कर सके, मनी है, अच्छा इवन PayTM कर सके एक दूसरे को, किसी को PayPal कर सके, या बहुत सारे ऐसे ऐप्स हैं, Amazon ऐप है, Amazon Pay ऐप है, जिससे क्या कर सकते हैं, मनी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, अच्छा कुछ उसमें परसेंटेज भी मिल जाते हैं, जिससे लोग खुश भी हो जाते हैं, रिचार्ज कर लेते हैं, तो लोगों को और अच्छा लगता है ये सारी चीज़ें। तो ई बैंकिंग एक बहुत ही बेहतर ऑप्शन है इंटरनेट से डेटा पैसा ट्रांसफ़र करने के लिए, पैसा मंगाने के लिए, ये जो भी आप यहाँ पे करना चाहें। अच्छा, कैशलेस भी हो चुका है, थोड़ा सा लोगों को पैसा मिल भी जाता है, कैशलेस ट्रांसफ़र कर देते हैं, आजकल तो बार कोड है एवरेज हर जगह आपको मिलेगा, आपने पैसा तुरंत दे दिया, मॉल है वगैरह है, इन सारी जगहों पे आपको बार कोड मिलता है, पैसा जेब में रखने की ज़रूरत नहीं है, मोबाइल में पैसे रखने की ज़रूरत है, मतलब मोबाइल में अकाउंट होना चाहिए और पैसे आप यूज़ कर सकते हैं आज, यानी ATM लेकर के जाने की ज़रूरत नहीं है, ATM में बड़े से लाइन लगाएं, क्योंकि हर बंदा कैशलेस हो चुका है, ज़्यादातर कैशलेस हो चुके हैं, और इवन रिक्शे वाले भी क्या है, बार कोड लेकर के चल रहे हैं, आपको पैसे पेमेंट करने हैं, ये चीज़ें। अच्छा, इससे फ़ायदा किसको होता है, जो पैसा लेता है उसको भी फ़ायदा होता है, जो पैसा ट्रांसफ़र करता है उसको भी फ़ायदा होता है, ठीक है ना। तो ई बैंकिंग में भी बहुत सारे पोर्शन आपके आ जाते हैं यहाँ पर। अच्छा, अब बात आती है ई कॉमर्स, एक बहुत बड़ा सेक्टर है, ई कॉमर्स इतना बड़ा सेक्टर है, आपको क्या बताएं हम आपको, ई कॉमर्स पूरी दुनिया ई कॉमर्स ही होगी। अच्छा, लॉकडाउन लगने से तो और कॉमर्स है नहीं, अब व्हाट्सएप पे देखिए, व्हाट्सएप पे भी अपनी दुकान खोल सकते हैं, ठीक है ना। तो ये जो दुकान खोलने का मतलब हो गया कि वेब सर्विस है, इंटरनेट की एक सर्विस है, जिसकी मदद से हम क्या कर रहे हैं, ये सारे काम कर रहे हैं, क्योंकि मोस्टली जो यूज़र हैं हर बंदे के पास ये सारी चीज़ें हैं। तो ई कॉमर्स वस्तुओं और सेवाओं को भी क्या करता है, शेयर करता है। अच्छा, मैं ई कॉमर्स की बात करूँ तो सबसे पहले अमेज़ॉन का नाम आता है, क्योंकि अमेज़ॉन एक ऐसी सर्विस देता है, हर एक पार्ट आप हर एक चीज़ खरीद सकते हैं। अच्छा, कुछ उसमें बेनिफिट भी मिल जाते हैं, कुछ डिस्काउंट्स मिल जाते हैं, आप इसका यूज़ करते हैं, तो ये ई कॉमर्स जो है आपका है, ये भी आपका किसकी सर्विस है, इंटरनेट की सर्विस है। इसके अलावा ई रिज़र्वेशन, बहुत से लोगों को मालूम है, अगर आपको कोई भी यात्रा करनी हो, आपको हवाई यात्रा करनी हो, आपको रेल यात्रा करनी हो, आपको बस यात्रा करनी हो, या आपको कोई होटल बुक कराना हो, आप कोई भी रूम बुक करा सकते हैं ये ई रिज़र्वेशन, ठीक है ना। इवन ओला उबर जैसी जो बहुत सारी टैक्सी सर्विसेज हैं, इसको लिए भी आप क्या करते हैं, रिज़र्वेशन करा लेते हैं, ताकि आप आसानी से क्या कर सकें ये सारी। तो ये सारी चीज़ें रिज़र्वेशन इलेक्ट्रॉनिक यानी इंटरनेट से आप कर सकते हो, आपको बुला करके रोकना नहीं है किसी गाड़ी को, ओला वाले को बुला लीजिए, ऊबर वाले को बुला लीजिए, आपको कहीं होटल जाना है ढूंढना नहीं है। आज क्या कर सकते हैं आप, ओयो है, बहुत सारे हैं, ओयो रूम्स ले सकते हैं, हर एक जगह पर ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। आपको हवाई यात्रा करनी है, आप कहीं से भी बैठकर अपने घर से रिज़र्वेशन कर सकते हैं, ठीक है ना। आपको बस यात्रा करनी है, आप रिज़र्वेशन कर सकते हैं, यानी आपके पास पूरा ऑप्शन है ये सारी चीज़ें करने का, ठीक है ना। इसके अलावा अगर हम बात करें सोशल नेटवर्किंग की, तो सोशल नेटवर्किंग तो बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बंदा आजकल क्या है, सोशल नेटवर्किंग है, कुछ नहीं आता तो फेसबुक लगे रहते हैं, फेसबुक पे लगे होते हैं, इंस्टाग्राम पे लगे होते हैं, ट्विटर किसी को ट्वीट करते रहते हैं, व्हाट्सअप चला रहे होते हैं, तो ये सब सोशल मीडिया ही तो हैं। यानी आप क्या करते हैं, अपने दोस्तों से, परिजनों से अपनी वीडियो को, ऑडियो को, अपनी फ़ोटोज़ को शेयर करते रहते हैं। यानी कोई बंदा ये कहे कि हमको फ़ोटो एल्बम दिखाने का ज़माना गया, है ना सर,
एल्बम दिखाने की ज़रूरत ही नहीं है किसी को। अब एल्बम तो क्या है, आपके पास अवेलेबल है, आप कभी भी किसी को भी ट्रांसफ़र कर दें, एल्बम ऑलरेडी वहाँ पे तैयार हो जाता है, आप देख सकते हैं, ठीक है ना। तो सोशल नेटवर्किंग के थ्रू आप एक दूसरे से चैट कर सकते हैं, बातें कर सकते हैं, लिख करके मैसेजिंग टाइप कर सकते हैं, ऑडियो बात कर सकते हैं, वीडियो चैट कर सकते हैं, इवन सारी चीज़ें चैट कर सकते हैं बाई सोशल नेटवर्किंग, ठीक है। अपना बिजनेस भी आप सोशल नेटवर्किंग पे ला सकते हैं, और मोस्टली लोग लाए हैं, बहुत सारे लोग लाए हैं अपने बिजनेस को सोशल नेटवर्किंग के थ्रू ला चुके हैं, ठीक है ना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।